हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या भी सोच रहे हैं वो। ओके गाइस, तो फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज पे, लेट्स सी। यहाँ पर पहला लेटर टी निकल कर आया है। टी लेटर है यहाँ पर, जे लेटर है यहाँ पर, यू लेटर है। यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट की एनर्जी है गाइस, ठीक है। मुझे शायद ये रीडिंग में कल भी नजर आया था, यहाँ पर मुझे कुछ अनाउंसमेंट की एनर्जी नजर आ रही है। देखिए गाइस, आज के दिन में आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा बिग अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं। ओके, ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपके लिए इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है जैसे या तो इनकी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ है, मतलब कोई डिसीजन हुआ है। अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे थे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि कहीं पर फिक्स हुआ है, या फिर ये अगर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में जा चुके थे, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि हो सकता है उस कनेक्शन से आपके पर्सन ने अपने कदम पीछे ले लिए हों, ठीक है। किसी चीज की अनाउंसमेंट है गाइस, जैसे कुछ कहना आपके पर्सन, यहाँ पर एक फैसला बेसिकली कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये नहीं होगा, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से रिश्ते देख रहे थे, हो सकता है कि ये पर्सन किसी रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी रिश्ते से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट की पहली एनर्जी मिली है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि जान में जान आई, ठीक है, जान छूटी, कुछ इस तरीके से भी वर्ड सुनाई दे रहे हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है कि किसी चीज से, किसी रिश्ते से पर्सन पीछे हटे हैं, ठीक है। आज के दिन में स्ट्रांगली कुछ लोगों के कनेक्शन थर्ड पार्टी रिलीज हुई है गाइस, ठीक है। आपके पर्सन ने टोटली उसको रिलीज कर दिया अपनी लाइफ से, या फिर उन्होंने ऐसा कह दिया कि आप मेरी लाइफ में स्टे नहीं कर सकते। आपके पर्सन ने सफरिंग को नो बोला है, ठीक है, सफरिंग को नो बोला है आपके पर्सन ने। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सफर कर रहे थे और जस्ट एक कनेक्शन में इसीलिए थे क्योंकि उनको एक होता है ना सोसाइटी फियर या फिर फैमिली फियर जो भी है, उसकी वजह से अगर ये मतलब एक ऐसे कनेक्शन में सफर कर रहे थे जिसमें इस पर्सन की खुशी नहीं थी, तो इस पर्सन ने उस कनेक्शन के लिए नो बोला है, ठीक है। ये अभी यहां पर मैसेज निकल कर आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो अनाउंसमेंट है ये इसी चीज की भी हो सकती है। डेफिनेटली ये कार्ड्स भी डेफिनेटली क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है यहां पे। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये फायर मुझे ना गुस्से की तरह नजर आ रहा है। आपके पर्सन ने कोई भी जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिया है, एंड यस, मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है। मुझे रीडिंग में कल भी नजर आया था, मुझे ऐसा नजर आया था कल में कि आप में से काफी सारे लोग के पार्टनर आपको गुस्से में देख रहे हैं, एंड यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस कि आपके खुद के पार्टनर भी काफी गुस्से में है। मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो
यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट करने वाली। मैंने आपको बोला था सितंबर में अक्टूबर में काफी सारे लोग के कनेक्शन ठीक होंगे, तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी रिलीज हुई है गाइस, ठीक है। आपको ये डेफिनेटली गुड न्यूज सुनने मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। जिनके कनेक्शन डेस्टाइन है स्पेशली उनके कनेक्शन में मुझे ये नजर आ रहा है, एंड काफी गुस्से में ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये पर्सन सफरिंग को नो बोल रहे हैं। जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी का कनेक्शन में सिर्फ सफर कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से ट्रिगर्स मिल रहे थे एंड ये पर्सन लेट गो नहीं कर रहे थे, ठीक है। मतलब एक बार यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको ट्रिगर देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं, तब तक देते जाते हैं उस पार्टनर के थ्रू जब तक कि आप लेट गो करना नहीं सीख जाते, जब तक कि आप सरेंडर करना नहीं सीख जाते। और जिस दिन आप सरेंडर कर देते हैं वो इंसान आपकी लाइफ से बाहर कर दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ भी रेजोनेट करता है। इनफैक्ट आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी आपको बहुत ट्रिगर देते हैं, बहुत ट्रिगर देते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें लेट गो नहीं करते वो भी आपकी लाइफ में टिके रहते हैं। और जिस दिन आप उन्हें लेट गो करना सीख जाते हो उस दिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होती है और आपको उनसे भी अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर यू 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 बहुत नजर आ रहा है, यू यू लेटर बहुत नजर आ रहा है, यू टर्न का मैसेज दे रहा है आई थिंक, ठीक है। किसी के पार्टनर यू टर्न वापस यू टर्न मार रहे हैं, ठीक है। मतलब जाकर वापस आ जाना। देखिए आपके पर्सन का ऐसा भी है, अगर कहीं रिश्ता फिक्स हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्चुअली ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इन्हें अपनी जर्नी, लाइफ की जर्नी किसी ऐसे पार्टनर के साथ कंप्लीट करनी है जो इनको सपोर्ट करे, ठीक है। इनको ऐसा नजर आया है कि मुझे सपोर्टिव पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। सो हर दिन दुखी होने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके फैसला लिया जाए और अपनी खुशियों को चुना जाए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में सिचुएशन ये बनी हुई थी कि आप दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश कर रहे थे, या फिर दोनों अलग अलग चीजों को करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को जिस रास्ते पर बुला रहे थे, इस पर्सन को ये था कि मुझे उस रास्ते पर आना नहीं है, बट ये पर्सन खुद उस चीज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद उस तरफ मुड़े हुए हैं जिस तरफ आप चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में, आप हस्बैंड वाइफ हैं गाइस, आप लोगों के कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी आई हुई थी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ से भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है और अनमैरिड से भी रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है। तो जिनके भी कनेक्शन में इस तरीके से बिना बात के कोई तीसरा आ गया था जिसका कोई लेना देना नहीं था, आपके कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे, और सडनली कोई आया और सब कुछ बिखेर दिया उसने, तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि वो चीज हील होते हुए यहाँ पर नजर आई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब वो कनेक्शन हील होते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी चीजें थ्रो की जा रही थी, ठीक है, कुछ ना कुछ फेंका जा रहा था आपके पर्सन के ऊपर एंड ये लेते जा रहे थे। एक होता है ना कि आप एक टाइम पर बहुत कमजोर पड़ जाते हो, तो जो आपके सामने जो कह रहा है कर रहा है, आपको जो बोल रहा है कर रहा है, ठीक है, आपको नीचा दिखा रहा है, आप सब सुनते जा रहे हो सुनते जा रहे हो सुनते, फिर एक टाइम आता है कि आप बोलते हो नो नाउ इट्स इनफ, ठीक है। वो एनर्जी होती है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने नो बोला है यहाँ पे, ठीक है, इस पर्सन ने सफरिंग के लिए नो बोला है। जब यूनिवर्स का भी ये सीधा लॉ है, जब तक आप सफर करने के लिए तैयार हैं, परमात्मा प्रकृति आपसे सफर करवाने के लिए तैयार है। जब आप कहते हो कि भाई मुझे क्यों सफर करना, मैं क्या सफर करने के लिए आया हूँ, मैं क्यों किसी का कुछ भी गलत अपने ऊपर लूँ, मैं जब मैंने कोई, जैसे श्री हरि बोलते हैं कि अगर गलत करना
पाप है तो गलत सहना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको लगता है कि आप गलत सह रहे हैं तो उसके लिए ना बोलिए, ठीक है। भले ही आपको कुछ लोग से दूर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि जो आपको तकलीफ दे रहे हैं वो वैसे भी आपके अपने हैं नहीं, ठीक है। अगर आपके अपने होते तो वो आपको तकलीफ नहीं दे रहे होते। तो यहाँ पर 4 नंबर है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपके पर्सन के ऊपर जो फेंकी जा रही थी, इन्होंने कहा है भैया हमें हमें नहीं चाहिए अब ये, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में नहीं रहना है तो सीधे तरीके से निकल जाओ, लेकिन हम तुम्हारा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर हम तुम्हारा ये सब नहीं ले सकते। इनफैक्ट जितने भी आपको स्पिरिचुअल अवेकन लोग मिलेंगे या फिर डिवाइन एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए लोग मिलेंगे, वो नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं करते हैं कदई। क्या है, उन्हें कितना भी कोई इंसान अच्छा लग रहा हो, कितना भी उन्हें कोई इंसान बहुत प्रिय लग रहा हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव नेगेटिवली टॉक करता है तो वो नेगेटिव लेते नहीं है अपने ऊपर, ठीक है। भले चाहे उनके डिवाइन पार्टनर ही क्यों ना हो, एक टाइम के बाद जब आप डिवाइन पार्टनर को नो बोलते हो तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और उनको भी डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाता है। तब तक वो बाहर रहते हैं जब तक कि आप इनर वर्क नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। अच्छा, किसी का सवाल आया था कि मैम डिवाइन पार्टनर हमको थर्ड पार्टी के ऊपर चूज कब करते हैं, जब आप अपने आप को चूज करते हो। मैंने आपको बताया था कि वो आपका मिरर सोल है, वो आपको वही दिखाता है जो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो जब आप खुद को चूज करते हैं वो आपको चूज करते हैं, जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप खुद को अनकंडीशनल लव देते हैं वो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं, जब आप अपने अपने लिए स्टैंड लेते हैं वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं। तो जब जब आपका फोकस आपके ऊपर होता है, ठीक है, तब तब उनका फोकस आपके ऊपर होता है। जब जब आपका फोकस उनके ऊपर होता है तब तब उनका फोकस किसी और के ऊपर होता है, क्योंकि वो आप एक को एग्जैक्ट मिरर कर रहे होते हैं। सो आप उन्हें ब्लेम करें, आप उन्हें कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन एक्चुअल बात तो यही है कि वो आपको ही देख देख कर सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, तब तक जब तक आप अपने अंदर इश्यूज को हील नहीं कर लेते, ठीक है। सो यहाँ पर ये रीडिंग में निकल कर आया है आप लोगों के लिए। तो अगर कुछ लोग इसे डिवाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो काफी ज्यादा सेल्फ पर फोकस्ड है, डियर आपके पार्टनर भी आपको चूज कर रहे हैं, इन्होंने भी थर्ड पार्टी को नो बोल दिया, ये भी सफरिंग को तब तक सफर करते हैं थर्ड पार्टी के साथ जब तक आप सफर करते हो इनके साथ, ठीक है। जब तक आप अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेते या फिर आप अपने आप को चूज नहीं करते, तब तक ये पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ सफर करते हैं, ये भी खुद को चूज नहीं करते, ठीक है। जब आप अपने आप को चूज करते हैं, ये इनका डिसीजन भी आप देखेंगे अपनी तरफ, तो ये चीजें नजर आ रही हैं। इस वक्त में इस पर्सन की बहुत खातिरदारी हो रही हो, ठीक है, या फिर बहुत इस पर्सन को अप्रिशिएट किया जा रहा हो, प्रेज किया जा रहा हो, कुछ भी इस पर्सन के साथ में लाइफ में चल रहा हो, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि आपके जो पार्टनर है, बहुत खातिरदारी हो रही है इस पर्सन की, या फिर बहुत इस पर्सन का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी नजर आई है, जैसे ये पर्सन हर चीज में न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। इस पर्सन को सारी खुशियां खुशियां तब लगेंगी जब ये आपका हाथ पकड़ेंगे, यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। स्पेशली सोल कनेक्शन वालों के लिए ये स्पेशल मैसेज निकल कर आया है, उन लोगों के लिए उनके कनेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो खुद, ठीक है। और जब वो खुद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो सामने वाला पार्टनर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। तो उनके साथ ये सिचुएशन हो जाती है कि उन्हें खुशी, बहुत ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ होते हैं, अपने सोल पार्टनर के साथ होते हैं। चलिए गाइस, कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइन्स,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो आपकी रीडिंग बताती हूं मैं। ये पर्सन टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, मैंने आपसे बोला था ये मैरिज रिलेटेड कोई ना कोई बात डेफिनेटली थी। आप देख सकते हैं टेन ऑफ कप्स है एंड इसके नीचे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। कोई इंसान ना इस कनेक्शन के लिए, इस मैरिज के लिए, या फिर मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो। देखिए, सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है वो। बट यहां पर जो एनर्जी नजर आती है आगे की कार्ड्स के हिसाब से, ये इंसान कोशिश तो कर रहा है कि एडजस्ट करे। ठीक है, जो भी कनेक्शन आपको मिलता है आप उसमें बहुत कोशिश करते हो एडजस्ट करने की। स्पेशली आपकी अगर मैरिज हुई है किसी पर्सन के साथ, तो इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है वहां पर कि मतलब एडजस्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन वही है कि जो चीजें आपके लिए बनी होती हैं उनमें आपको खुशी मिलती है, लेकिन जो चीजें आपके लिए नहीं बनी होती हैं आप उनमें स्ट्रगल करते हो, आप कोशिश करते हो, बट वहां पर वो रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि डेस्टाइन कुछ और ही है। ठीक है, ये करियर वर्क फील्ड में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका अगर फील्ड दूसरा है तो किसी दूसरी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो यही चीज है, जो चीज आपके लिए डेस्टाइंड है कहीं ना कहीं वो सोल कॉलिंग है, और जो सोल कॉलिंग है वही आपको पसंद भी है। ओके, तो इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक मैसेज और यहाँ पर लेते हैं। किसी ने कल कमेंट सेक्शन में बोला था, हम डिवाइन पार्टनर्स बहुत हर्ट करते हैं, टॉक्सिक होते हैं क्या? देखिए, डिवाइन पार्टनर्स या फिर कोई भी पार्टनर हो आपका, चाहे डिवाइन हो चाहे कोई भी पार्टनर हो, सबसे पहले आपको चूज खुद को करना है। डिवाइन पार्टनर टॉक्सिक नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको, वो भी इक्वली हर्ट होते हैं, वो भी सेम आपकी तरह ही हर्ट होते हैं। जस्ट उनके साथ ये सिस्टम होता है कि वो आपको ट्रिगर ही करते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका मार्ग ईश्वर का मार्ग है, लेकिन आपको ये कौन बताएगा कि वहां तक जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता चूज करना है या फिर आपको कैसे पहुंचना है। पहुंचने का वो मार्ग है वो डीएम बताते हैं, कैसे वो आपको ये बताते हैं कि क्या इश्यू है जो आपको वहां तक पहुंचने में रोक रहा है, डिवाइन मर्जिंग में जो आपको, आपके लिए बाधा बन रहा है। तो वो आपको मिरर करते हैं, तो वो आपको अगर ट्रिगर कर रहे हैं और अगर आप उनसे ट्रिगर हो रहे हो, इसका मतलब है वो चीज हीलिंग मांग रही है, वो चीज है जो आपको ईश्वर तक जाने से रोक रही है। तो कुछ लोग डिवाइन पार्टनर को टॉक्सिक बोलते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग वर्क करते हैं और आपका मार्ग, अगर आप परमात्मा को वैसे ही बना लेते हैं तो वो खुद आप तक आपको बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिवाइन पार्टनर की टॉक्सिसिटी नहीं, अगर आपको लगता है वो टॉक्सिक है या फिर उनको आपको स्पेस नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट भी कनेक्शन बना सकते हैं खुद के साथ और परमात्मा के साथ। ये आपकी जर्नी खुद से भी कंप्लीट कराते हैं, लेकिन जब तक आप बाहर होंगे, ठीक है, बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं सुख, और ये आपको तब मिलता है जब आप समझ जाते हैं कि आपका काम क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, कुछ लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। डीएम जो है वो माध्यम बनते हैं, ठीक है, और जब आप अपना काम करते जाते हैं तो डीएम बदलते जाते हैं। अगर आप अपना काम नहीं करते हैं और आप फोकस उन्हीं पर रहते हैं तो वो भी आपको बराबर से हर्ट करते हैं। ये चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत प्रॉब्लम मतलब हो जाती है इसमें। डीएफ को बहुत प्रॉब्लम होती है, डीएफ अगर सीधे सीधे अपना काम करती चले और डीएम के ट्रिगर्स को लेट गो करती जाए, ठीक है, लेट गो का मतलब हील करती जाए, ठीक है, और जल्दी से अपनी डिवाइन मर्जिंग करे, तो आपके लिए ये जर्नी बहुत आसान है। ठीक है, और अगर आप फोकस्ड डीएम पर हैं, उनके एक्शन पर हैं कि कब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दिक्कत करेगा आपको। ये चीज किसी ने पूछा था कल, यहां पर कार्ड है फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कॉइन्स। यहां पर देखिए, अगर आपके जो पर्सन है वो यही सोच रहे हैं कि इन्होंने, इनको मतलब वो हैप्पीनेस आखिर मिले तो मिले कैसे जब इन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी नजर आती है कि आपके जो पर्सन है वही धोखाधड़ी चीटिंग को फेस करते करते ना इस पर्सन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मतलब ये पर्सन अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि जहां पर इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा वहां ये कर क्या रहे हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि जहां पर मैं कर रहा हूं और मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो मैं वहां कर क्या रहा हूं। आपके जो पर्सन है वो भी यही सोच रहे हैं, फोर ऑफ कप्स विथ सिक्स ऑफ कॉइन्स। इनको ऐसा लग रहा है कि ये डिजर्व करते हैं, बट इनको डिजर्व के हिसाब से चीजें मिल नहीं रही, जितना ये डिजर्व करते हैं उतना इनको रिटर्न मिल नहीं रहा है। और यहां पर मतलब सेवन ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं इस चीज की बात करें कि काफी सारी जगह पर इस पर्सन को ना चीटेड फील हो रहा है, चीटेड, सेवन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, डीएम अगर आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि
जो भी आपके पार्टनर हैं उनको इस वक्त में हर तरफ से चीटेड ही फील हो रहा है। डीएम को चीटेड फील सारे लोग कराते हैं, बस डीएफ को चीटेड फील डीएम कराते हैं। इतना फर्क हो जाता है, मतलब पूरी दुनिया में डीएम जो है वो आपको चीटेड फील कराते हैं और डीएम को पूरी दुनिया चीटेड फील कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से डीएम अपना, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि साइकिल कंप्लीट करते हैं। वो इकलौते एक हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, उनको तकलीफ देने वाले काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और देखते हैं, एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन क्या है इस रीडिंग पे, प्लीज गाइड मी। मूविंग ऑन, चूज वाइजली ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, लास्ट कार्ड एंड मूवमेंट चॉइसेस डिसीजन। आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है इनकी लाइफ में वहां से मूव ऑन कर रहे हैं गाइस। इस पर्सन को आप ये खुद को चूज कर रहे हैं, तो ये डार्क में नहीं रहेंगे। इनको जो चीज डार्क लग रही है इस वक्त में, इनको लग रहा है इनको सर्व नहीं कर रही है, बाहर निकालेंगे। ठीक है, आप कुछ समय के लिए डीएम को भी लेट गो कर सकते हैं। अगर वो आपको टॉक्सिक लग रहे हैं तो आप उनको लेट गो कर दीजिए, लेकिन हीलिंग करिए अपनी। ठीक है, उनको लेट गो कर देना या फिर उनको अलग कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जस्ट आपको हीलिंग पर अपने फोकस करना होता है। आप उनके साथ बाउंड्री सेट कर सकते हैं जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते। यहाँ पर भी कार्ड यहाँ पर वही निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर रहे हैं डार्क से लाइट की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी इस पर्सन को चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज को चूज करने में, कि कुछ मतलब यहाँ पर मूवमेंट चॉइसेस डिसीजन है, तो चॉइस बनाने में अभी भी इस पार्टनर को 100% थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, मतलब ये थर्ड पार्टी को तो चूज कर सक मतलब थर्ड पार्टी को तो ये पर्सन रिलीज कर सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल बन रही है। लेकिन और जो डिसीजन, सेकंड डिसीजन जो इस पर्सन को लेना है, उसमें थोड़ा सा इस पर्सन को और बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नजर आता है। ओके, अल्फाबेट्स लेते हैं गाइस। आपकी आपके पार्टनर की एज 25 हो सकती है, या 25 ईयर्स का कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर MORLUFVZNK, ये मैरिड लोगों के लिए स्पेशली रेजोनेट करने वाली है रीडिंग, ऐसे मेरे इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं। सो गाइज, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।